ये पूछना चाहूँगा नैना जी की उम्र क्या है, ये पूरी जनता को मैं बताना चाहूँगा। बता दूँ, देखिए नैना जी का ऐसा है कि नैना जी की दिमागी उम्र और एक्चुअल उम्र दोनों अलग है। दिमाग से ये अभी भी कुछ 10-11 की होने वाली हैं, लेकिन इन्हें अभी भी थिएटर्स वगैरह जाने में दिया जाता है। और मैं नैना जी से कहना चाहूँगा कि हील्स पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होता है। आपका मास्क जेब में रखा हुआ है, दिखाता हूँ, कहीं तो है, इधर ही है। दिखाइए मास्क, दिखाइए मास्क है यार। This guy is telling me, Nena, I'm sorry, I can't make it. I'm very important worker. I'm important worker. अंदर या बाहर? अरे यार। But I'm there could be no birthday without John. किसी और का, मेरा हो सकता था। बस इतना प्यार। कुछ करना चाहेंगे आपके अंदाज में? नैना जी का बर्थडे है तो नहीं। क्या क्या सुनना चाहेंगे? जो आप सुनाएंगे। I'll sing एकदम ओल्ड सॉन्ग। पर दिन शी किल मी। अच्छा नहीं, बच के तो गया तेरा। आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी हियर एक्चुअली। आई हैड टू कम बिकॉज़ इट्स नैनाज बर्थडे। आई हैड अ शूट टुडे बट आ गया मैं, एंड अभी नैना को विश करना है, तो आप ही कोई सजेशन दे दीजिए गाने के लिए। नैना का फेवरेट सॉन्ग कोई भी गाना जिसमें नैना हो वो है। नहीं नहीं, बिग बॉस के घर में बोला था बिल्कुल भी नहीं बोला। एक गाने को छोड़ के ये सब गाने मैं नहीं गाता। ओह माय गॉड शार्दुल, नो इट्स माय बर्थडे, डोंट बी डिसगस्टिंग। आप शार्दुल से विश सुनना पसंद करेंगे? प्लीज शार्दुल नहीं गाएगा जान, मैंने बता दिया है। तुम लोग बोरिंग कर रहे हो, जल्दी गाना गाओ। तो नैना का फेवरेट गाना है 1 2 3 जान गो। तो से नैना लागे पिया भवरे। हट, बस हो गया, अभी इतना ही। अभी ऊपर जाने दो ना हम लोग को यार, हम लोग को पार्टी करनी है। क्या करना है? पौड़ी करनी है हमें। पौड़ी करनी है, चलो। ऑलराइट, चलो। थैंक यू गाइस। हां जा रहे हैं।
मैंने अपनी लाइफ में लिटरली पहली बार पार्टी थ्रो करी है. मैंने आज तक अपनी बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं करी है. सो मैं लिटरली बहुत नर्वस हूँ कि कोई आएगा मेरा नहीं आएगा. सो गाइस ये माइक मुझे दिख रहा है, कहाँ है ये वाले लोग कहाँ है? हाँ गलत गलत हेडलाइन डालते हो, हाँ झगड़े कराते हो मेरे, झगड़े कराते हो मेरे. कौन सा माइक? ये वाले माइक पे, ये माइक पे मेरे झगड़े हुए हैं. मुझे पता है ना, तभी तो मैं कहती आ गई. तुम्हारा ब्लिंक का है शूज? My shoes are blink. That's enough. Is it right? इतना ब्लिंक बहुत है ना. इनसे बात मत करो, ये है, ये गलत हेडलाइन डालते हैं. क्या डाल दिया? चलो चलो हैप्पी बर्थडे. चलो कर थैंक यू सो मच गाइस. ये आज मेरा लिटरली मेरे 26 साल का ये पहला बर्थडे है जो मैं धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही हूँ. और मैं बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि बुढ़ापा इज राइट ऑन द कॉर्नर. और एक्चुअली आज अगर आप डेट देखें तो इट्स 4-3-2-1 4 मार्च एंड 21. सो मेरा बुढ़ापे का काउंट डाउन शुरू हो चुका है. बट आई थिंक आई हैव लर्न्ड अ लॉट इन लाइफ. और अब ये एक नई शायद से जनरेशन मेरे लिए शुरू हो रही है, वर्क वाइज, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज. सो आई थिंक दिस बर्थडे इज गोइंग टू बी अ गुड बर्थ. मैं आधा तो बर्थडे इसलिए नहीं मनाती थी कि चेंज करना पड़ेगा. तो अब मैंने सोचा है कि बहुत हो गई मस्ती, बहुत लाइक यू नो लाइफ को बहुत ईजिली ले लिया है. अब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए हर चीज़ को लेके. सो अब मैं हर चीज़ में सीरियस हो रही हूँ, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ. ये तो मुझे नहीं पता कौन कौन आने वाला है. सो ऑफकोर्स मेरे बिग बॉस के नए नए दोस्त. एक तो मैं ज़्यादा ज़िंदगी में मैंने दोस्त नहीं बनाए, मैं बहुत ही प्राइवेटली रहती हूँ हमेशा. सो बट आई थिंक इस बार मैंने एक नया ये भी किया है कि मैंने दोस्त बनाने शुरू कर दिए हैं. तो मैंने उन सारे दोस्तों को बुलाया, अब वो भी दोस्ती निभा लें और आ जाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं मिला दोस्तों. मुझे लगता है मैंने अपने आप को सरप्राइज़ दिया ये बर्थडे पार्टी थ्रो करके. बट हाँ, लास्ट नाइट मेरे फ्रेंड्स लोगों ने आकाश के घर पे बर्थडे पार्टी सरप्राइज़ दिया था, जिसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता था, तो मैं तैयार होकर गई थी वहाँ पे. सो कोई सरप्राइज़ नहीं था. देखिए नच बलिए के लिए बलिए का होना ज़रूरी है, है ना? यहाँ पे भैया ही बने जा रहे हैं सब, बलिए का तो पता नहीं, तो नच बलिए तो अभी नहीं. और खतरों के खिलाड़ी की बात रही तो देखते हैं क्या होता है. 2 हफ्ते में अगर दोबारा निकाल दिया तो फिर कैसे चलेगा. तो अभी वो भी सोच समझ के मुझे फैसला करना है जी. तो मैंने अभी प्रिंस के साथ किया था म्यूज़िक वीडियो, और वो अब कब रिलीज़ करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करते हैं. मैंने तो कर लिया था, बट या प्रोजेक्ट वाइज आई थिंक माई बर्थडे इट्स अ फैक्ट कि हर साल जब भी मेरा बर्थडे होता है तो मेरे पास मेरी बर्थडे के दिन ही सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं. तो आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो बाय द एंड ऑफ द मार्च आई विल गिव यू अ सरप्राइज. देखो सीजन 10 स्प्लिट्स विला को कोई बीट नहीं कर सकता, चाहे अब 11 आए, 12 आए, 13 आए, 14 आए, 15 आए, विनर विल बी द विनर. अरे मच्छी मार के बना.
क्या बोलूँ यार, ऑफकोर्स बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी, बहुत सारी विशेस देना चाहूँगी नैना को. चाहूँगी कि वो लाइफ में खूब ज़्यादा सक्सेसफुल हों, जितनी भी उनकी विशेज़ हैं, जितनी भी डिज़ायर्स हैं, वो पॉजिटिवली फुलफिल हों, बहुत तरक्की करें, बहुत तरक्की करें, खुश रहें बस. यार नैना को मैं बिग बॉस के पहले से थोड़ा बहुत जानता हूँ. शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट गर्ल. बिग बॉस में हमारा झगड़ा भी हुआ था लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन वो सब हम भूल चुके हैं और हम यहाँ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं. आवाज़ मत कर. नैना जी प्लीज कम, आ ना इधर आ. तो मेरे अंदाज में अगर इसको मुझे बर्थडे विश करें थैंक यू. क्या कह रहे हो, फिर से करो. ए वो मेरा गाल नहीं है, फिर से करो क्या होता है. मैं दे रही हूँ रुक. अरे आपकी कब हो रही है शादी, तो दूसरों के पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो आपने क्यों नहीं करी, किसने बोली, आपने क्यों नहीं करी. तंग आ गया यार, तुम लोग की वजह से ही नहीं करूंगा अभी, मैं पूछ के तंग आ गया है ना, मैं भी नहीं होने दूंगी. अच्छा कर लेंगे. सो नच बलिए सीजन भी, अरे 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 मैं और नैना जा रहे हैं नच बलिए, मैं दोनों जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं. पवित्रा जी का मैं ढूंढ रही हूं. हां ये हम ट्राई हो जाएगा, हमारा ट्राई हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा. बच्चा भी इस बार अलाउड है ये बिग बॉस में. हमारे रेड जोन में चिंटू की मम्मी थी ना, मैं तो ये चिंटू आया था ना घर में, तो वो मैं तीनों जाएंगे, मम्मी पापा चिंटू. इसने बहुत अच्छा गाना भी बना के खिला मेरे को. हाँ. यार मेरे को अभी याद आया एकदम, है ना, झगड़ा करके सब्जी देती थी. आप साथ जाओ, अब वो जो प्याज टमाटर मैं ढूंढ रही हूं, मैं बहुत पसीना आ रहा है. चलो अब पार्टी करने दो यार, चलो हम जाएं क्या. कौन बोला ये, मेरा बर्थडे में ऐसे बात मत करो आज. ये दिखावे का परमिशन है, बाद में मेरी क्या हालत हुई मेरे को मालूम है. बीच में मैं बहुत डिप्रेस था, मुझे मेरे से झगड़ा भी किया था इसमें एक हफ्ते के लिए. देखो हमारे असल जिंदगी में भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में होता है. आप लोग भी अपनी घर में लड़ते होंगे. हाँ बिल्कुल, वो ऐसी रिएक्ट करते हैं, जैसे बिग बॉस में लड़ती थी वैसी बाहर भी लड़ती हूँ. हम लोगों ने दुनिया के सामने इजहार भी ऐसे किया था, मैं प्यार भी करती हूँ, मैं लड़ूंगी भी और मैं कायम रखूंगी. मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या करूँ, अब जो है वो है. चलो मैं लेके जा रहा हूँ, बाय बाय. मैं बताना चाहूंगा, बता दूं. देखिए नैना जी का ऐसा है कि नैना जी की दिमागी उम्र और एक्चुअल उम्र दोनों अलग हैं. दिमाग से ये अभी भी कुछ 10-11 की होने वाली हैं, लेकिन इन्हें अभी भी थिएटर्स वगैरह जाने में दिया जाता है. सॉरी और मैं नैना जी से कहना चाहूँगा कि हील्स पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होता है. आपका मास्क जेब में रखा हुआ है, दिखाता हूँ. कहीं तो है, इधर ही है. दिखाइए मास्क, दिखाइए मास्क है यार. एक साथ आई जाने दो. दिस गाय इज टेलिंग मी नैना आई एम सॉरी आई कांट मेक इट, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. आई एम इंपॉर्टेंट वर्क. अंदर या बाहर कैसा बोलिए. Is it showing? जी. हाँ तो अरे यार. But I'm there could be no birthday without John. किसी और का मेरा हो सकता था. बस इतना प्यार. कुछ करना चाहेंगे आपके अंदाज में. नहीं नहीं. क्या क्या सुनना चाहेंगे जो आप सुनाएंगे. I'll sing एकदम old song. पर दिन शील किल मी. अच्छा नहीं बच के वो गया तेरा. आई वाज नॉट सपोज टू बी हियर एक्चुअली. आई हैड टू कम बिकॉज़ इट्स नैनाज बर्थडे. आई हैड अ शूट टुडे बट आ गया मैं एंड अभी नैना को विश करना है. तो आप ही कोई सजेशन दे दीजिए गाने के लिए. नैना का फेवरेट सॉन्ग कोई भी गाना जिसमें नैना हो वो है. नहीं बिग बॉस के घर में बोला था बिल्कुल भी नहीं. एक गाने को छोड़ के ये सब गाने मैं नहीं गाता. ओह माय गॉड शार्दुल, नो इट्स माय बर्थडे, डोंट बी डिसगस्टिंग. आप शार्दुल से विश सुनना पसंद करेंगे प्लीज. शार्दुल नहीं गाएगा जान
मैंने बता दिया है तुम लोग बोरिंग कर रहे हो, जल्दी गाना गाओ। तो नैना का फेवरेट गाना है 1 2 3 जन गो। तो से नैना लागे पिया भावरे। हट, बस हो गया, अभी इतना ही, अभी ऊपर जाने दो ना हम लोग को यार, हम लोग को पार्टी करनी है। क्या करना है? पौड़ी, पौड़ी करनी है हमें, हमें पौड़ी करनी है। चलो ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइस। हाँ ओके, कम हियर दिस। अरे चल के रहो है, बहुत अच्छी हुई, इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मेरे बाद मुझे कोई सुंदर लगे घर में तो वो नोना है। गिफ्ट तो मैं कहीं मीटिंग से आ रही हूँ, उसके घर पे कल मैं बहुत बड़ा हैम्पर भेजने वाली हूँ। थैंक यू। ऑनेस्टली बताओ ये ड्रेस कहाँ का है, पहचानो। ये बीबी मॉल से मैंने लिया है, ये बीबी मॉल का ड्रेस है। पता नहीं बीबी मॉल में कहाँ किसने रखा, पता नहीं, बट या मैं अच्छी लग रही हूँ ना, दैट्स व्हाट मैटर। हाँ वो बहुत बढ़िया सिंगर है, गॉड गिफ्टेड है, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत आगे तक जाएगा। इंशाल्लाह हम दोनों बहुत जल्दी म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई देंगे। यस, मेरी दोस्ती नहीं हुई थी जब मैंने उसके लिए टास्क खेला था, मुझे याद है, उसमें मैं हारी थी, बट क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड शी लाइक्ड इट, वैसे हमारी बॉन्डिंग तभी से चालू हो गई थी और वो अभी तक बहुत अच्छी है। जो पहले अप्रोच करेंगे उसके लिए। हाँ वो अभी डिपेंड, तब मेरा मूड क्या होगा। निधि की बात करें, निधि आपके काफी काम कर दिया। हाँ, अरे शी इज द हॉटेस्ट पीआर आई एवर हैड, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, वो इंस्पिरेशन है। सी उसकी ड्रेस और मेरी ड्रेस, आई एम लर्निंग फ्रॉम निकी। या
हाँ जरूर, शेर से लड़ूंगी। हाँ तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत जल्दी हम लोग वी आर वर्किंग ऑन सम सॉन्ग्स, हम बहुत जल्दी एक वीडियो एल्बम करेंगे, तो बस वेट करिए। या थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। अरे मैडम, मैम मैम इधर मैडम वाढदिवसा हार्दिक शुभेच्छा। समझला ना? नाही समजला? हॅपी बर्थडे बोल रहा हूँ, हॅपी बर्थडे। धन्यवाद। अरे मंडल कुछ तू हाथ घेरो तू इधर इधर मैम सामने सामने मैम यहाँ पे मैम मैम लुक एक नंबर एक नंबर नहीं भारी नहीं भारी चलिए आइए ना इधर आजा 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 ये मांगे चल पीछे 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 आजा पीछे इसे पीछे अरे हाँ रुको ना और ये बाहर ना इधर भी इधर भी अरे ये अब ये हिला क्या बात है हाँ खुदो मैडम मैं इधर हम चावल हो गया थैंक यू हो गया चल अगर पीछे मैम इधर नीचे मैम लुक हियर मैम वेट मैम इधर इधर ये क्या होगा मैम जस्ट लुक हियर हैप्पी बर्थडे थैंक यू मैम 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 नीचे आ रहा नहीं नहीं नीचे ही रहे बातें कर रहे हो आप इग्नोर करो इग्नोर करो मैम एक मिनट बर्थडे
सर का कोरोना सर आ थोड़ा पीछे हो जा रहा है वो ये बात हट रहा है थोड़ा सा पीछे हो जा रहा है हां सेंटर यहां पे देखिए चिल्लाओ मत यार इधर लो पवित्र जी आगे से बच्चे छोटा भी अने राइट अने राइट बोल दो अने राइट ए बच्ची पीछे चल चलो सामने भी देखिए नंबर आगे की रुको यहां पे राइट में देखिए अभी राइट टर्न हो जाइए राइट में लेफ्ट हां पवित्रा जी राइट में टर्न हो जाइए चलो सर एक एक सोलो सोलो करते हैं यो नहीं नहीं साथ में साथ में अच्छे हो गए अभी सोलो सोलो भी करते हैं नहीं 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 रुकिए 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 भाई भाई इधर ही सोलो सोलो कर लेते सर थोड़ा सा पीछे चले जाइए सर थोड़ा सा पीछे सर साथ में रुकिए एक बार हाथ पीछे मत डाल यहाँ पर देखिए क्या बात है क्या बात है क्या बात है रुकना यार किसे नहीं क्या जोड़ी बनाई है सर यहाँ पर देखिए दोनों सर लास्ट कॉर्नर अरे यार पवित्रा जी सामने हाँ दिख रहा है दिख रहा है रोहित पीछे है ना किसे नहीं बच हाँ कल 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 पंचर हो गया अभी सोलो सोलो अभी थैंक यू पवित्रा जी पहले आपसे शुरुआत करते हैं पहले आप पवित्रा जी लुक पवित्रा जी लुक यार लुक यार जोड़ी कर लुक यार लुक यार लुक यहाँ पे यहाँ पे राइट में राइट में लुक यार पवित्रा जी नीचे पवित्रा मैम अने राइट पवित्रा जी अने राइट पवित्रा जी नीचे बोले पवित्रा जी लुक यार अने राइट अने राइट अरे कितना राइट लेफ्ट कराते हो यार सीधा देखो सीधा सर आप आ जाओ सर आ जाओ आ जाओ इधर से आ जाओ इधर सर लुक यार अने राइट जंप मारो सेंटर 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 जंप मारो बे सेंटर इजाज भाई यहां पे आप हां सेंटर में देखिए इजाज भाई कड़क कड़क सेंटर में इधर भाई भाई बॉडी बताओ थैंक यू आ जाओ सर सोलह सोलह मजबूत है इतना जिम ज्वाइन करना पड़ेगा अभी चलो थैंक यू चलो आ जाओ सर आ जाओ थैंक यू थैंक यू बहुत हो गया ए बस सर चलो आ जाओ बाय बाय ये मेरे को पकड़ लिया मैम मैम इधर 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 भाई इधर भाई इधर से इधर से क्या बात है बात ही बात है आज थैंक यू पीछे होना यार क्या यार एक नंबर आग लग गई पीछे यहाँ पे क्यों यहाँ पे मैम सेंटर अलग टू सेंटर फर्स्ट इधर सर सेंटर लेफ्ट साइड थोड़ा इधर टर्न हो जाइए राइट सेंटर लेफ्ट में टर्न हो जाइए राइट राइट इधर देखो इधर लेफ्ट सेंटर सेंटर नहीं सर अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई अरे जब भी बोल रहे थे मैम भाई रुक रुक
Side.
सरप्राइज ये है कि मैं खुद आ गया हूँ एंड नैना हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस सो या इट्स अ बर्थडे एंड आई कुडंट मिस इट सो आई हैव टू कम करेक्ट यस I think she's very organic, she's very natural, she's headstrong, and that's what I like about Naina. And no, she's busy, even I was like, you know, there's a lot of interviews to do and there's a lot of work, so yeah, she couldn't make it. Okay, now we want to know that you are a big boss for the reality show, but for the Nachbani, you are both named. अरे कुछ नहीं आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट ऑनेस्टली आई डोंट नो अभी ना कहीं ना कहीं बर्थडे के साथ साथ रियूनियन हो रहा है एजाज पवित्रा शार्दुल जान सभी आए हैं तो कितना एक्साइटमेंट है मिलने में ओह आई एम वेरी एक्साइटेड आई रियली नीड टू मीट देम बिकॉज़ घर के अंदर यू नो ऑफ कोर्स वी हैव स्पेंट सो मेनी डेज बट आई वांट टू सी हाउ वी मीट ईच अदर व्हेन देयर इज लाउड म्यूजिक देयर इज नो स्ट्रेस देयर इज नो फियर ऑफ एलिमिनेशन आई वांट टू मीट देम Yes, she's busy. She's occupied. See, I won't say every day was fun in the house, but मैंने बहुत कुछ सीखा. I've learned a lot. And that's what it matters. Jitne bhi hafte mein tika, I earned it. Nahin, wo sab abhi namaskar. I don't know all about that. I'll comment about it later. Thank you. All right, bye.